आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान का दम देखेगी। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना कितनी ताकतवर हो चुकी है, आज उसका ट्रेलर लखनऊ में दिखाई देगा। जी हाँ, यूपी के लखनऊ में आज से डिफेंस एक्सपो का आगाज हो रहा है। जल, थल और वायु समेत तीनों सेनाएं गोमती रिवर फ्रंट पर आयोजित इस डिफेंस एक्सपो में अपना पराक्रम दिखाएंगी। आपको बता दें, लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में आकर्षण का केंद्र है सेना के ये बंकर। जब युद्ध के मैदान में इन बंकरों से ही भारतीय जवान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं और अपनी रणनीति भी बनाते हैं। डिफेंस एक्सपो में यूपी पुलिस का भी स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पुलिस अपनी तकनीक और ताकत का प्रदर्शन करेगी। डिफेंस एक्सपो के मद्देनजर सेना ने एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। डिफेंस एक्सपो में इस बार कई अत्याधुनिक टैंकों को लोग बिल्कुल पास से देख सकेंगे, जिनमें T-90, K-9 वज्र, भीष्म जैसे टैंक शामिल हैं। इन टैंकों को एक्सपो स्थल पर बने लाइव डेमो एरिया में लोग चलते हुए भी देख सकेंगे। यहाँ पे हमारी तरफ से एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है आर्मी की तरफ से, ताकि जहाँ पे जो भी विजिटर आए सेना को थोड़ा उनको पता चल जाए कि सेना कैसे काम करती है, इनके पास क्या वेपन इक्विपमेंट्स रहते हैं, उनके बारे में हमने ये सेल्फी पॉइंट लगाया है। डिफेंस एक्सपो की कमान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लखनऊ में 11वें डिफेंस एक्सपो की कर्टन रेजर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण ही पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। अब भारत को दुनिया में गंभीरता पूर्वक लिया जाता है और भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अब यह अपने शान की बात समझी जाती है। लखनऊ डिफेंस एक्सपो में इतनी बड़ी संख्या में फॉरेन एग्जीबिटर्स का आना, मैं मानता हूं कि इसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर 11वां डिफेंस एक्सपो 5 से 11 फरवरी तक चलेगा। इस 11वें डिफेंस इंडिया एक्सपो में दुनिया भर के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं। डिफेंस एक्सपो में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। वहीं 40 देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख और विदेश मंत्री के साथ साथ 54 देशों के डिप्लोमेट और सैन्य डेलीगेट इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और दुनिया भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और शौर्य देखेगी। इस डिफेंस एक्सपो में 70 देशों की 135 विदेशी कंपनियां शामिल हो रही हैं। डिफेंस एक्सपो में मेक इन इंडिया थीम पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। डिफेंस एक्सपो को लेकर करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इस दौरान करीब 20 एमयू साइन होंगे। इसके साथ साथ अगर डिफेंस एक्सपो में जो निवेश की संभावनाओं की बात की जाए तो इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्री में निवेश की संभावना है। इसके साथ साथ भारत इजराइल में जो रक्षा क्षेत्र में निवेश होना है उसकी उसमें भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इसके साथ साथ यूएस डिफेंस इंडस्ट्री और मेक इन इंडिया के तहत निवेश होगा। डिफेंस एक्सपो जो है वह निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक सबसे बड़ा आयोजन, सबसे महत्वपूर्ण आयोजन। स्वयं देश के प्रधानमंत्री और हमारे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता वह इसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। 70 देशों से अधिक का प्रतिनिधित्व इसमें हो रहा है। लोग आवे, देखें भारत की शक्ति को, देखें भारत की सामर्थ्य को, देखें भारत की प्रतिभा को, देखें और भारत दुनिया के किसी भी क्षेत्र में इसमें प्रतियोगिता के लिए तैयार है। हथियारों की मंडी के मंच पर अमेरिका, ईरान होंगे तो कट्टर विरोधी सऊदी, इसराइल भी साथ दिखेंगे। हाँ, अगर कोई नहीं होगा तो केंद्र सरकार की मजबूत विदेश नीति से अलग थलग पड़े पड़ोसी चीन और पाकिस्तान। वहीं लखनऊ में होने वाले इस डिफेंस एक्सपो पर आतंकी खतरा भी मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों से इनपुट है कि नेपाल के रास्ते यूपी में आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, जिसके चलते 11 आतंकी संगठनों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। डिफेंस इंडिया एक्सपो की सुरक्षा और इतने बड़े आयोजन के लिए 6,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पूरा लखनऊ हाई अलर्ट पर है। डिफेंस एक्सपो में सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, इसलिए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।